शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेवसुतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकिशे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम अपनी जो प्रतिदिन की जो चर्चा है उसको न करके हम श्री रामानुजाचार्य जिनका कि आज तिरुभाव दिवस है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से 1 घंटे चर्चा करेंगे। तो ये जो हम भी जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये श्री उभय वेदांत अनबिल राम स्वामी नाम के श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं, उनके ग्रंथ से हम ये पाठ कर रहे हैं। श्री उभय वेदांत अनबिल राम स्वामी रामानुजाचार्य से 1137 तक रहे थे इस धराधाम पे। सीई बोलते हैं ना वहां। तो श्री वैष्णव संप्रदाय को इन्होंने बल दिया था। रामानुजाचार्य के आने का वर्णन पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। चार संप्रदायों के जो मुख्य आचार्य हैं, जो चार मुख्य संप्रदाय हैं वो हैं, चार मुख्य वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और फिर रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र ने ज्ञान दिया
उसको रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के या फिर मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय के निंबार का चार, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, तो ये चार जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों में जो मुख्य आचार्य होंगे इनका वर्णन आता है। तो ये एक श्लोक भी है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर ये हमें अभी मिल गया तो मैं आपको दिखाता हूं। Let me see अगर ये अभी खुल गया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें बहुत सारे मतलब आ रहे हैं, इसमें से मैं देखता हूँ कौन सा वाला ज्यादा ठीक रहे हैं। कोट्स तो बहुत सारे हैं, तो मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो ये आप को तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ कुछ और, ये आप देखिए, तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा और ये श्लोक भी सबके आ जाएगा। अरे मैं दूसरी देखिए, ये जो आई हैव टू इसमें कुछ यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कैसे भी फुल स्क्रीन से देखो, आपको दिख रहा होगा ये, है ना? नहीं दिख रहा है, देखो संप्रदाय, ये वन ऑफ दीज इज द, देर आर ऑल्सो संस्कृत ऑथराइजिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, चार संप्रदाय है ना, नहीं? तो ये चार संप्रदाय के बारे में ये श्लोक है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता,
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। श्री माध्वी रुद्रासनकाः वैष्णवाः क्षितिपावनाः चत्वारस्ति कलौ देवी संप्रदाय प्रवर्तकाः। तो ये जो है चार संप्रदाय हैं ऐसा बोला गया। अब यहाँ पे देखिए अगला श्लोक कह रहे हैं, रामानुजम श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखः। रामानुजम श्री स्वीचक्रे मतलब रामानुजाचार्य को श्री लक्ष्मी जी ने चुना। ब्रह्मा मध्वाचार्यम चतुर्मुखा मतलब ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को। रुद्र गेव द प्रेफरेंस टू विष्णु स्वामी है ना, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, रुद्र ने में जो प्रमुख आचार्य होंगे वो कौन होंगे, विष्णु स्वामी। एंड द फोर शनकास टू निम्बादित्य, और जो निम्बार्काचार्य हैं वो चतुष कुमार जो हैं चार कुमार, उन्होंने निम्बार्काचार्य को प्रमुख आचार्य बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, सो ये दोनों आप चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अपने रख सकते हैं अपने पास है ना। ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं देखता हूँ इसको अगर मैं और बड़ा कर पाया। रामानुजम श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखः। रामानुजम श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामिन रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सना। देख रहे, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कलयुग में ये चार ही संप्रदाय होंगे, और इसमें जो प्रमुख आचार्य होंगे इसका भी वर्णन आ गया है। तो हम कोई गलत तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये जो श्लोक है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताः, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। श्री माध्वी रुद्र सनका वैष्णवाः क्षिति पावनाः चत्वारस्ते कलौ देवी संप्रदाय प्रवर्तकाः। देख रहे, चार ये संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसको ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मुझे भी भेज सकते हैं, तो मैं इसको ग्रुप डाल दूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ये जो है आचार्य कौन है, ये प्रामाणिक हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं। ठीक, ठीक है, तो मैं आगे इसकी चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। तो रामानुजाचार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि 1017 से लेकर के 1137 CE तक ये रहे थे, और हमारा जो हिंदू धर्म है उसके लिए, या फिर सनातन धर्म जिसे कहते हैं, हिंदू भी कह देते हैं कभी कभी, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म जो है उसमें मुख्यतः ये जो सगुण भक्ति है, जो कि शंकराचार्य ने जिसका विध्वंस कर दिया था, उसको पुनः प्रतिपादित करने के लिए ये दो आचार्य मध्वाचार्य और ये आए थे रामानुजाचार्य। ठीक है, श्री वैष्णवों में भी ये बात बहुत कम पता है कि ये जो रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने रामानुज दर्शन की स्थापना की है, इन्होंने श्री वैष्णव सिद्धांत निर्धारण सार्वभौम
के नाम से इनको जाना जाता है ना। इनको श्री वैष्णव सिद्धांत निर्धारण सार्वभौम के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जन्म से ही ये शास्त्रों में निपुण है। इलाया पेरुमल इनका नाम था बचपन में, और ये केशव पेरुमल और सोमयाजी दीक्षितर और कांतिमती अमल के श्री पेरम्बदूर में जन्म हुआ था, पुत्र के रूप में, है ना। तो जैसे ही वशिष्ठ जैसे भगवान भगवान राम का या भगवान लक्ष्मण का चेहरा देख करके वशिष्ठ ने बोल दिया था कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, तो इसीलिए इनका ये जो है लक्ष्मण को देख करके ऐसा बोल दिया था। तो जो पेरिया तिरुमलाई नाम्बी हैं, उन्होंने जब इस इलाया पेरुमल इनका नाम था इनका इनको जब देखा तो उन्होंने तुरंत ही उनको कहा कि लक्ष्मण है। तो यादवाचल महात्म्य में इसका एक श्लोक आता है, अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणंश्च ततः परः बलभद्रम तृतीयस्थु कलौ कश्चित् भविष्यति। यही जो इसमें ये जो ग्रंथ है यादवाचल महात्म्य, इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अनंतः प्रथमम रूपम, अनंत जो है वो प्रथम रूप है, लक्ष्मणं च ततः परः, इट इज द सेम हु वाज आदिशेष फर्स्ट, लक्ष्मण आफ्टर, एंड बलराम इन द थर्ड, हु इज बॉर्न एज श्री रामानुजा इन कलयुगा। अब रामानुजाचार्य ऐसे ही हम नहीं कह रहे कि रामानुजाचार्य है ना, नहीं ऐसे ही हम नहीं कह रहे कि आचार्य है, रामानुजाचार्य आचार्य हैं, इसका शास्त्रों में इसका प्रॉपर प्रूफ है, तभी हम इसको कह रहे हैं। तो ये यादवाचल महात्म्य में ये लिखा हुआ है, अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रम तृतीयस्तु कलौ कश्चित् भविष्यति। तो ये किसी एक कल्प की बात कर रहे हैं, जैसे 28 1000 चतुर्युग में एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग में से ये जो मन्वंतर होते हैं, जब ये मन्वंतर बदलते हैं तो एक मन्वंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, 14 मन्वंतर होते हैं। तो ये 28वें चतुर्युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान स्वयं आते, तो तब ये कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है, द्वापर बाद में आता है, त्रेता युग पहले आ जाता है। लेकिन इस समय जो ये कलयुग ये जो चल रहा है, ये 28वां चतुर्युग चल रहा है, ये बहुत ही रेयर लोग हैं जो कि इस कलयुग में आए हैं, मतलब इनको भगवत धाम जाने ही वाले हैं ये, तभी आए हैं। और इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण आते हैं। तो ये देखिए अब रामानुजाचार्य के बारे में ये भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले दो श्लोक सुनाए और फिर ये भी देखिए यादवाचल महात्म्य में भी ये लिखा हुआ है। अब उनके जन्म के बारे में क्या बताया जाता है, तो चित्राई तिरुवधिराई ऐसा बोला जाता है जन्म या कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हैं रामानुजाचार्य। अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं कि उनका जन्म
उनका जो तिथि वो अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कलयुग में जब 4119 वर्ष हो जाते हैं तब इनका अवतार होता है। इसका रामानुजाचार्य, कलयुग बीते हुए, कलयुग जब शुरू होता है तो कलयुग के 4119वें वर्ष में ये आते हैं। और ये जो है एडी के हिसाब से, अगर एनो डोमिनी और ये जो बीसी एडी ये अगर कहा जाएगा तो 1017 में इनका प्राकट्य हुआ था। तो 13 अप्रैल 1017 एडी में इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार इनका 13 अप्रैल को इनका प्राकट्य हुआ था। कुछ ग्रंथों में इसको जो है 4118वां कली का साल भी बताया जाता है, क्योंकि ये शास्त्रों से बताया जा रहा है ना कि इस चतुर्युग में, इस खंड में, इस स्थान पर, भारतवर्ष में, यहाँ पर इनका जन्म होगा, ऐसा बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप हमारे शास्त्र कितने पेकुलियर है, तो ये बता रहे हैं। किस समय उनका जन्म होगा, उस समय क्या राशि होगी, वो कह रहे हैं कर्कटक राशि में इनका जन्म हुआ है। और दोपहर में 12 बजे रामानुजाचार्य का जन्म हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग इसी पर एग्री करते हैं। और कुछ लोग योग के बारे में भी बताते हैं कि आयुष्मान योग था उस समय, और भद्र करण था, गोत्र हरित गोत्र में, और शाखा यजु शाखा में, सूत्र अपस्थंभ सूत्र में और वादम सेक्ट में इनका जन्म हुआ। तो इतना पेक्यूलियर है, देखिए इनका जन्म होगा। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन इनका, एक शुक्रवार था उस दिन, शुक्रवार उस दिन इनका जन्म हुआ था। आज भी शुक्रवार है इनका जो जन्म हुआ शुक्रवार के दिन हुआ था, शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन। तो पद्म पुराण जो है इनके बारे में बताता है कि बहुत समय के बाद भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेंगे, त्रिदंडी सन्यासी के रूप में, आसुरिक शास्त्रों को गलत सिद्ध करने के लिए। आसुरिक शास्त्रों को गलत सिद्ध करने के लिए इनका प्राकट्य होगा। तो इन्हें सही सही मात्रा में कहा है, और भगवान ने जो गीता में कहा है उसी को फिर से प्रतिपादित करने के लिए लक्ष्मण का फिर से जन्म होगा। ऐसा यहाँ आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित हो रही है, ये कोई फेक नहीं मूर्ति स्थापित हो रही है ना, ये बड़ा ही प्रामाणिक जो है ये ज्ञान है। अब उनके जीवन से कुछ घटनाएं हम लेना चाहते हैं। जब वो छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, और वो अपने माता के साथ कांचीपुरम में रहते थे, और तिरुकाची नाभि जो थे वो उनके साथ ही, और
आज का प्रसाद, आज का भोग ठीक लगा कि नहीं लगा, इस तरह से बात किया करते। 16 साल के वो हुए तो उन्होंने सारे वेद और सारे शास्त्रों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया, और 17वें साल में उनका विवाह हुआ रक्षकम बाल नाम की कन्या से उनका, या फिर तंजमाल तमिल में ये कहा जाता है, तो उन उनसे उनका विवाह हुआ। इलाया पेरुमल इनका नाम था उस समय, रामानुजाचार्य का नाम इलाया पेरुमल। तो इनको यादव प्रकाश के अंडर में, जो कि अद्वैत सन्यासी मायावादी सन्यासी थे, उनके अंडर में वो तिरुपत कुजी में इनको ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया। अद्वैत पूर्व पक्ष शास्त्र के बारे में, तो इस समय क्या हुआ, तो अलवंदर नाम के जो एक आचार्य थे, जो कि तिरुपत कुजी में आते रहते थे उनके स्कूल में, वो चाहते थे कि इलाया पेरुमल को अपना सक्सेसर नियुक्त करे। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने वो मिल नहीं पाया उनसे, रामानुजाचार्य से, तो फिर से श्रीरंगम चले गए। कई बार ऐसा हुआ कि ये जो शैवाइट गुरु थे इनके, या फिर जो ये इनके तो प्रकाश नाम के जो गुरु थे सन्यासी थे, इनसे इनका कई बार क्लैश हो जाता था, क्योंकि वो वेदांत को मिस इंटरप्रेट करते थे। तो इलाया पेरुमल खड़े होकर के उनकी गलतियां बता देते थे, तो फिर उनके गुरु बहुत इनसिक्योर फील करने लगे। इस तरह से डर के इलाया पेरुमल उनके अद्वैत सिद्धांत को खराब कर देंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको मार डालने का निर्णय लिया। सोचिए क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के स्टूडेंट को मारने का निश्चय कर लिया। तो देखिए, और उनको गंगा में डालने का निश्चय किया, इस तरह से वो उनको मारना चाहते। एक गोविंद नाम के उन्हीं के एक शिष्य थे यादव प्रकाश के, जो कि इलाया पेरुमल से भी बहुत संबंध रख, इलाया पेरुमल मतलब रामानुजाचार्य से संबंध रखते थे। वो चुपके से जंगल जा करके रात में ही चले गए, और फिर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ कि एक बहुत ही बूढ़ा एक शिकारी कपल आया, तो उसने क्या किया, रामानुजाचार्य को जिस जंगल से वो जा रहे थे वहां पर उन्होंने उनको गाइड किया, और रामानुजाचार्य फिर से वहां पर ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठे और उनकी कृपा से जो लक्ष्मी नारायण स्वयं एक शिकारी के रूप में आए थे, और उन्होंने जो है इनको कांचीपुरम में स्थानांतरित कर दिया। ये भगवान वरदराज स्वयं आए थे, और पेरुम देवी जो थी वो स्वयं ही आए थे, और इन इनके शिकारी के रूप में इनको बचाने के लिए। तो फिर वो कांचीपुरम में ही रुके, और तिरुकांची नाभि जो थे, जो वरदराज भगवान से बात किया करते थे, उनकी वो सेवा करने लगे, पानी लाना, लकड़ी लाना इत्यादि उनकी सेवा करने लगे। अब अलवंदर को ये पता चला कि अलवंदर, ये खबर फैली कि अलवंदर जो है वो
बहुत जो है बीमार है, और वो चाहते हैं कि इलाया पेरुमल से मिले। तो फिर तिरुकांची नाभी और अलवंदर दोनों वहां पर पहुंचे। तिरुकांची नाभी और इलाया पेरुमल, तिरुकांची नाभी इलाया पेरुमल। तो जब वहां पर पहुंचे तो अलवंदर की मृत्यु हो चुकी थी और उनका देहावसान हो गया था। तो जब उनकी अंतिम क्रियाएं की जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी तीन उंगलियां जो हैं वो ऐसे बंद हैं। तो उनकी तीन इच्छाएं थी यमुनाचार्य की। तो ये अलवंदर को ही यमुनाचार्य कहा जाता है। तो उनकी तीन इच्छाएं थी। तो इलाया पेरुमल ने वहीं पर खड़े होकर, मतलब रामानुजाचार्य ने वहीं पर खड़े होकर उन तीन इच्छाओं को कहा। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म सूत्र पर एक श्री भाष्य लिखूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा तुरंत एक उंगली खुल गई। उसके बाद उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं व्यास देव और पराशर मुनि को हमेशा स्मरण रहे, का स्मरण हमेशा रहे, लोग जानते रहे, इसके लिए अपने एक शिष्य का नाम पराशर मुनि के नाम पर रखूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा दूसरा उंगली भी खुल गया। जो यमुनाचार्य की तीन उंगली बंद थी वो खुल गई मृत्यु के समय। फिर उन्होंने अलवंदर को ही, उनको यमुनाचार्य कह रहे हैं, और उन्होंने तीसरा ये वचन बोला कि मैं विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद को मैं, विशिष्ट द्वैतवाद को मैं सारे समाज में प्रतिपादित करूंगा। जैसा कि अलवारों ने 4,000 उसमें लिखा है। तो तीसरा भी, तीसरी उंगली ऑटोमेटिकली खुल गई। तो फिर उन्होंने श्रीरंगम मंदिर बिना गए वहां से वो चले गए और जा करके कांचीपुरम लौटा। तिरुकाची नाभि जो थे वरदराज से 6 शब्द उनको मिला था। तो इलाय अलवार को उन्होंने वही शब्द बता दिए। तो वो शब्द थे जिनको कि उनको पालन करना था। वो शब्द क्या थे? वो थे, सबसे पहला जो था वो ये था कि भगवान नारायण जो है वो परमात्मा है, और जीव जो है परमात्मा से भिन्न है, और प्रपत्ति जो है प्रणाम करना या फिर उनकी सेवा करना ये मोक्ष का मार्ग है। और सेवा करना बहुत आवश्यक है। चौथा ये था कि उनके जो अंतिम स्मरण है ना, नहीं, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण सेवा में रत है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान उसको स्वयं स्मरण कराएंगे, है ना। और फिर पांचवा उन्होंने कहा था कि मोक्ष केवल इस शरीर में जो है, मोक्ष इस शरीर को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति, शरीर के बाद ही मोक्ष मिलता है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि पेरिया नाभि के चरणों में शरण आपको ग्रहण करना चाहिए, इलाया पेरुमल। तो इलाया अलवर, इलाया पेरुमल ये रामानुजाचार्य को ही कह रहे हैं। तो इसी वजह से इलाया पेरुमल जो थे वो पेरिया नाभि के पास गए।
मधुरंटकम में रहते थे, और जा करके वहां पर बकुल पेड़ के नीचे पेरियानापी ने पंच संस्कार उनके किए। उसके बाद उनको द्वय मंत्र में वही मधुरंटकम में उनका दीक्षा हुआ, द्वय मंत्र में। उसी समय से वो जो स्थान है उसको द्वयम विलयंद तिरुपत्थी कहा जाता है। फिर दोनों जो है श्रीरंगम चले आए, और उसके बाद कालक्षेप वहां पर ब्रह्मसूत्र पर कालक्षेप किया, और वहीं पर ही भगवान रंगनाथ ने कहा कि ये तो मेरा है, ऐसा कह करके इलाय पेरुमल या फिर रामानुजाचार्य को बुलाया। क्या कहा? नमोदयवर, ये कह करके भगवान रंगनाथ को, भगवान रंगनाथ ने उनको बुलाया। इलाय पेरुमल जो थे वो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश नहीं थे। उनकी जो पत्नी थी वो इस चीज को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती थी कि भक्तों की इतनी सेवा हो रही है, भगवान को इतना कुछ दिया जा रहा है, इससे वो बहुत खुश नहीं थी। तो वो वैष्णवों को बहुत डिसरेस्पेक्ट की निगाह से देखती थी, है ना। इसलिए इलाई अलवर या फिर रामानुजाचार्य बड़े दुखी थे। तो जब वो 30 साल के हुए तो इलाई अलवर ने संन्यास ले लिया और रामानुज मुनि के नाम से जाने लगे। यतिराज भी उनको कहा जाता था। उस समय श्रीरंगम में जो आचार्य का स्थान था वो रिक्त था, खाली था, कोई और नहीं था। और उनको ये कहा गया कि आप इस गद्दी पर बैठिए, पर इससे पहले कि वो ये कर पाते वो अपने को 3 गुप्त मंत्रों में से सुसज्जित करना चाहते थे। इसलिए 3 गुप्त मंत्रों में पूर्ण रूप से सुसज्जित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तिरुपोष्टियुर नाम की शरण ग्रहण की। लेकिन तिरुप बार बार उनको बुलाते रहे ना, बार बार उनको भेजते रहे, कल आना, परसों आना, है ना, नहीं ऐसे कह करके उनको भेजते रहे। और फिर रामानुजाचार्य को कहा कि इसको किसी और को नहीं देना, और अगर तुम चले गए इसको दे दिया किसी को तो फिर तुम नरक जाओगे। लेकिन जैसे ही उनको ये मंत्र मिला, रामानुजाचार्य ने मंदिर के ऊपर चढ़ करके सबको बुला करके ये मंत्र दे दिया। तो उन्होंने उन मंत्रों के अर्थ के बारे में मतलब दे दिया, और उसके बाद जो मंत्र हैं वो तो नहीं दिया, ये बताया कि ये मोक्ष का मार्ग है और ये मंत्र, 3 मंत्र आज से हम ये दिया जाएगा, इस तरह से उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके सबको बताया और इसका प्रचार किया। और जो लोग सिंसियरली इसका फॉलो करना चाहते हैं वो लोग दीक्षा ले सकते हैं। तो रामानुजाचार्य ने लगभग 15,000 से 10 से 15,000 शिष्य बनाए, 12
शिष्य बनाए उस समय उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्यों को वहां पर जो फॉलोअर्स थे उनको एकत्रित किया ही हुआ था वहां पर, है ना। और उसके बाद उन्होंने जो आचार्य तिरुकोष्ठियूर नाम भी थे वो बहुत गुस्सा थे, और इसका एक्सप्लेनेशन मांगने लगे। तो रामानुजाचार्य ने रिप्लाई किया कि मैंने ये सीक्रेट्स नहीं दिए, मंत्र नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों मैंने ये मंत्रों को बता दिया है, इस वजह से बता दिया है क्योंकि अगर मैं इन मंत्रों को नहीं बताऊंगा तो मैं ही नरक जाऊंगा, बता दूंगा तो मैं ही नरक जाऊंगा, लेकिन मैं इनको अगर नहीं बताऊंगा तो फिर तो ये सारे भी नरक जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र कोई अगर ना बताए, सोचो आप। तो ये रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र जो हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए वैसे ये क्या है, ये हमारे जो आचार्य हैं। मैं आपको देखो सारे शास्त्रों में खोल करके दिखा रहा हूँ कि ये शास्त्र में मैंने शेयर भी किया आपको कहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है, ये आएंगे ऐसा लिखा हुआ है किसी ऐसे तथाकथित किसी ऐसे तथाकथित जो बाबा लोग हो जाते हैं ऐसा नहीं है ये। इस तरह से सुनकर जो उनके गुरु थे आचार्य तिरुकोष्ठी और नामभी वो बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। और इस तरह का रिप्लाई सुनकर के उनको गले लगा लिया और अपने आचार्य के रूप में उनको बुलाया, है ना, एम पेरुमनार ऐसा कह के उनको बुलाया। और उन्होंने ही फिर ये नाम दिया कि आज से जो श्री वैष्णव सिद्धांत है ये रामानुज दर्शन के नाम से जाना जाए। जो यादव प्रकाश जो उनके पुराने गुरु थे वो कांची एक बार आए और कुछ समय के बाद उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली और उनका नाम हुआ गोविंद योगी। रामानुजाचार्य भिक्षा के लिए जाया करते थे तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बुरे लोगों ने उनकी भिक्षा में जहर मिला दिया, तो उनकी जो पत्नी थी ये उनके गृहस्थ जो की बात है, उनकी जो पत्नी थी वो जब सेवा कर रही थी और उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते कहने लगी, और वो मतलब रोने लगी, तो रामानुज सारे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़। और जब शिष्य लोग उस भिक्षा को चेक करने लगे तो उनको पता चला कि इसमें तो जहर मिला हुआ है। और रामानुजाचार्य ने उपवास रखा उस व्यक्ति का जिसने उनके साथ बुरा किया था उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए। ये सुनकर के तिरुकोष्ठी और नामभी जो थे वो श्रीरंगम आए और जब उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी आ रहे हैं तो वो गए कावेरी नदी के पास उनको रिसीव करने के लिए। तो प्रचंड गर्मी चल रही थी उस समय, रामानुजाचार्य भरी गर्मी में वहां पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने, बालू गर्म थी वहां पर ही दंडवत प्रणाम, भूखे
उनकी आचार्य भक्ति इतनी ज्यादा थी उस समय, किदंबी आचन जो कि उन्होंने नाम्बी को वहीं पर पास में थे उन्होंने बताया, कि तो इस तरह से दंडवत जब प्रणाम किया तो उन्होंने बहुत देर तक उनको उठने के लिए नहीं बोला उनके गुरु जी। तो किदंबी आचान जो थे उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि आप ये जो कर रहे हो वो जहर, इनको उठने के लिए बोलना चाहिए, वो जो जहर मिला था उससे भी ज्यादा कष्ट है। अब रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे उनकी जो भक्ति थी वो इतनी ज्यादा थी। तो तिरुकोष्ठी जो थे उनके गुरु जो थे वो उन्होंने कहा कि अब इनके और इनके शिष्यों में ऐसी गुरु भक्ति देख करके मैं इतना प्रसन्न हूं, अब मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूं, अब श्री वैष्णव विषम जो है वो एक सही हाथों में आ गया। और ये भी उन्होंने कहा कि अब मुझे ये भी पता है कि ये रामाचार्य का कौन केयर करेगा कि एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिल गया है। तो इस ये किदंबी आचान जो थे उनके बारे बात कर उनके बारे। तो रामानुजाचार्य जो थे वो सारे इंडिया में ट्रैवल करते रहे और विशिष्ट द्वैतवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया। यज्ञ मूर्ति नाम का एक व्यक्ति था, है ना, वो ये मायावाद फिलॉसफी का प्रतिपादन करने वाला था। 16 दिन तक उनसे उनका डिबेट हुआ रामानुजाचार्य को, और उसके बाद उन्होंने डिफीट स्वीकार की और उसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए और अरुलाल पेरुमल एम्परुमनार नाम से उनकी दीक्षा हुई। और ज्ञान सार और प्रमेय सार नाम के ग्रंथ उन्होंने लिखे, इनको जिन्होंने उन्हें यज्ञ मूर्ति नाम से जिन्होंने मायावादी जो थे उनको हरा दिया। एक कुरेश नाम के उनके बड़े ही प्रेमी भक्त थे रामानुजाचार्य के, कुरुतलवन भी उनको कहा जाता था। एक समय क्या हुआ, कुरुश कुरेश जो थे वो श्राद्ध सेरेमनी में गए, कौन सी सेरेमनी में, तिरुवरंगथु अमुदनार की सेरेमनी। तो ये जो अमुदनार थे ये श्रीरंगम मंदिर के इंचार्ज थे उस समय। जब कुरेश ने उससे पूछा गया कि आप इस श्राद्ध में आए हैं आपको कुछ चाहिए, तो कुरेश ने कहा कि ये जो मंदिर है इसको आप रामानुजाचार्य को दे दीजिए। तो रामानुजाचार्य की महानता के बारे में अमुदनार जानते थे तो इसलिए उन्होंने, वो बहुत खुश थे और उन्होंने रामानुजाचार्य को मंदिर दिया। और कुछ समय के बाद इन्होंने ही, ये जो अमुदनार है, इन्होंने रामानुज नुरंतधि लिखी जो कि 108 श्लोक हैं, जिनको कि अलवारों के 4,000 मुख्य श्लोकों में एक माना जाता है। बोधायन वृत्ति जो कि वेद व्यास देव की का जो ग्रंथ है उसको इन्होंने मास्टर करने के बाद इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वेदांत संग्रह और शंकर यादव भास्कर वेदांत दीप गीता भाष्य इत्यादि ग्रंथ इन्होंने लिखे।
तो इन सब आचार्यों के भी ग्रंथों को इन्होंने के व्यू पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस तरह से अभी बहुत सारा कुछ इसमें और भी बताया जा सकता है। एक बार भगवान स्वयं उनको दर्शन देने आए थे। सरस्वती पीठ नाम का एक देवी सरस्वती का स्थान है, वहां पर वो गए थे एक बार। और वो सरस्वती देवी इतनी, उनकी जो श्री भाष्य है उस टीका पर इतनी प्रसन्न हुई थी कि उनको भाष्यकारर नाम से उनको टाइटल दिया था। सारे जो कमेंट्री हैं उनको शंकर भाष्य इत्यादि के नाम से जाना जाता है, लेकिन रामानुजाचार्य की जो कमेंट्री है उनको श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। जब वो तिरुमला गए है ना, तो एक बड़ा ही, ये अभी बहुत ही ज्यादा विस्तार से हो जाएगा, अभी हम समय हमारा बहुत कम है, तो आगे हम इसकी चर्चा आगे कभी करेंगे। आज इसका ये टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अभी 8 बजने वाले हैं। ये और भी हम विस्तार से कभी इसकी हम चर्चा करेंगे, रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा मतलब विस्तार से है, क्योंकि हमारे आचार्य हैं, बात सही भी है कि इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कभी हम विस्तार से चर्चा अवश्य करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं एक बार ये, अब क्योंकि सब भक्तों को और भी जो है कार्य होंगे, सोना भी है, इस वजह से बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा समय और एक्स्ट्रा ले लें हम। आप लोगों का क्या विचार है? कोई भक्त ऐसे हैं जिनको अगर अनकंफर्टेबल है तो आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, और फिर अपने जो भी कार्य हैं जैसे आप प्रसाद बनाना है या कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ ताकि मैं इसको जो है जितना हो सके कंप्लीट, वैसे तो 9 बजे तक भी मुझे नहीं लगता है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ क्योंकि ये बहुत ही अधिक है। 1 मिनट मैं इसको देखता हूँ। बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन में। तो वो वाली कहानी, रामानुजाचार्य वाली वो कहानी आपने सुनी होगी कि उन्होंने अपने ब्रह्मचारियों को भेजा था, वो कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि रामानुजाचार्य ने, चलो मैं जो मेन मेन है वो बता रहा हूँ आपको ना, जल्दी से आधे घंटे में कोशिश करूंगा कि जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बताऊँ। एक बार रामानुजाचार्य अपने 5 सन्यासी शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक एक तारा
तालाब में। तो क्या हुआ? कि हाथ धुला तो जो कण उनके हाथों में लगे हुए थे चावल के, उसको मछलियों ने, जिन मछलियों ने खा लिया, वो चतुर्भुज रूप में आ गई और वो वहां से भगवत धाम चली गई। तो जो पांच सन्यासी थे उन लोगों ने देखा और वो कपड़े उतार करके वो पानी में कूदने के लिए तैयार हो गए। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे ये कहाँ, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लोग पानी में कूदने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले कि ऐसा कैसे हुआ कि मछलियों ने आपके जो जूठन है वो खाया और वो वहां चले गए? भगवत धाम चले गए मछलियां। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये महाप्रसाद की बहुत शक्ति है। तो उन लोगों ने कहा कि अरे तो हम तो आपका महाप्रसाद हर दिन खा रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये जो मछलियां हैं इनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो ये कोई अपराध नहीं करती, इसलिए इनको पूरा इसका फल मिला। लेकिन आपके अंदर जो ये स्वतंत्रता है जिसको आपने मुझे नहीं समर्पित किया है, तो अपनी जो स्वतंत्रता है अपने हिसाब से करना, ये कितनी घातक, इसकी वजह से मेकिंग ऑफेंसेस एंड दस योर ओन प्रोग्रेस। एक बार ऐसा ही हुआ कि अपने सन्यासी शिष्यों से बात कर रहे थे कि ये सब जो मैंने लिखा है इसको आप कैसे समझ पाओगे। आचार्य ने कहा कि ये सब जो मैंने लिखा है इसका एक ही मतलब है, जा और किसी भक्त को समर्पण। ये रामानुजाचार्य ने कहा कि बस यही मेरे पूरे किताबों का यही लक्ष्य है ना, जाओ और किसी भक्त को समर्पण कर दो। तो उन लोगों ने कहा कि अरे इतना हमसे पता नहीं, ये समर्पण भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, एक सन्यासी शिष्य को बुलाओ, ये जो व्यक्ति जा रहा है इसको बुला के लाओ, ये एक दर्जी है और ये बहरा है और गूंगा है, दर्जी है ना। तो इन लोगों ने कहा, ये गए और उसको बुला के लाए ना। जब वो व्यक्ति आया तो रामानुजाचार्य ने उन सब से कहा कि अब आप लोग चले जाओ और मुझे इस एक व्यक्ति के साथ रहने दो, है ना। तो सब लोग चले गए, लेकिन एक शिष्य जो था वो खिड़की में से देख रहा था। तो रामानुजाचार्य ने उनको इशारा किया कि मेरा चरण छुओ। तो वो जो दर्जी था उसने पूरा दंडवत प्रणाम करके रामानुजाचार्य के चरण को कस के पकड़ लिया। अध्याय 10 श्री उनके चरण को कस के पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ, शिष्य लोग लौटे, देखा कि वो एकदम भाव के स्तर में आ गए। तो वो शिष्य ने कहा कि ऐसा इसके साथ कैसे हो गया? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि उसने एक भक्त की के चरण को बिल्कुल कस के पकड़ लिया है छोड़ नहीं रहा है, चाहे कुछ भी हो चाहे जो भी करो छोड़ नहीं रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कोई फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही, बहरा है गूंगा है।
लेकिन बस उसको ये पता है कि इनका चरण नहीं छोड़ना है ना। सो दिस इज ये एक कहानी है। और तो उसके बाद और भी ये एक कथा जो है आती है, ये मैं आपको चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य का संवाद है। अब ये तो बहुत ही मतलब भाग्यशाली है हम लोग की ये जो है। एक समय ऐसा हुआ भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक है नवदीप धाम महात्म्य, वहां पर इसका वर्णन मिलता है। एक बार रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथ जी से प्रणाम किया, वो जो कि बहुत प्रसन्न हुए और जगन्नाथ भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि जाओ जाओ नवद्वीप जाओ, अभी कुछ दिन में मैं वहां पर आने वाला हूं, रामानुजाचार्य से जगन्नाथ जी ने कहा कि जगन्नाथ मिश्र के घर पे मैं प्रकट होऊंगा। तो क्योंकि तुम मेरे नित्य सेवक हो इसलिए तुम्हें भी जाना चाहिए, अपने सब जो शिष्य लोग हैं इनको यहीं पे रहने दो, क्योंकि ये लोग दास्य रस और ऐश्वर्य भाव में हैं, है ना। नहीं तो इसलिए ये लोग उसको समझ नहीं पाएंगे राग मार्ग को। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पास टाइम है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु रामानुजाचार्य की ये लीला है। तो फिर श्री नवदीप ने ऐसा जगन्नाथ जी ने उनको कहा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे इसलिए तुम वहां जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने जो शिष्य लोग हैं इनको यह रहने दो और अकेले आप जाओ। और भगवान जगन्नाथ ने कहा कि ये जो नवद्वीप जो स्थान है, ये एक छोटा सा नवद्वीप, जो नवद्वीप में छोटे से जगह में श्रीरंग क्षेत्र, वेंकटेश्वर, यादवाचल सब वहां पर विद्यमान है। नवद्वीप में इतनी महिमा है नवद्वीप, इसलिए तुम नवद्वीप जाओ, जगन्नाथ जी रामानुजाचार्य को कह रहे। देखिए और वहां जा करके जाओ और वहां तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे। उसके बाद आप कुर्म क्षेत्र जाइएगा और अपने शिष्यों को मिलिएगा। हाथ जोड़कर रामानुजाचार्य ने जगन्नाथ जी से कहा, आपने मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं, तो ये हैं कौन? उन्होंने, मैं इनके बारे में नहीं जानता। तो जगन्नाथ जी ने इनको बताया कि जो भगवान कृष्ण है गोलोक वृंदावन में, है ना, वो परम भगवान है, इतना तो सबको पता है। वही जो परम भगवान है, वो जो वृंदावन में रहते हैं, वही स्वयं श्याम सुंदर चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही आते हैं कलयुग में, और उनका ही धाम ये नवद्वीप धाम है ना, जहां पर ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, आज भी विराजमान है। तो मायापुर जाना तो बनता है, जिन भक्तों को छुट्टी है
उन लोगों को अब खुद अब तो खत्म निकल जाना चाहिए नहीं, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा निवास करते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बारे में इन्होंने बताया। ये सब सुन करके रामानुजाचार्य को बहुत प्रेम उमड़ आया और वो फिर उन्होंने पूछा कि गौरांग लीला शास्त्रों में क्यों वर्णन नहीं है, फिर मैंने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं थोड़ा बहुत देखने पर मैं थोड़ा बहुत गौरांग तत्व तो देखता हूँ श्रुति में पुराणों में, लेकिन अदरवाइज मैं उतना देख नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि आपने जो कहा है वो तो सत्य ही होगा, है ना, इसलिए मैं नवद्वीप धाम जाऊंगा, है ना। और जा करके मैं, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं नवदीप धाम जाऊंगा और वहां से मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए तीनों लोक में विचरण करूंगा है? और शास्त्रों से प्रमाण दूंगा किस तरह से गौरांग महाप्रभु की भक्ति करना श्रेष्ठ है। तो जगन्नाथ जी ने रिप्लाई किया, देखिए जगन्नाथ जी रामानुजाचार्य से क्या बात करें, है ना, रामानुजाचार्य से जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम अभी इसका प्रचार नहीं करो, है ना, इसको सीक्रेट रखो, है ना, नहीं क्यों, क्योंकि अभी ये होने वाला है, जब वो अपने लीला समाप्त कर देंगे यहाँ पर तभी ये लोग इसको इनको समझ पाएंगे, क्योंकि ये छद्म अवतार है। इस तरह से रामानुजाचार्य को आदेश मिला और चुपके से रामानुजाचार्य किसी को बताए बिना सारे शिष्यों को भेज दिया और नवद्वीप धाम चले गए। और उनके ऊपर कृपा करके भगवान नारायण ने उनको वैकुंठपुर की तरफ दिखाया और उनको अपना दिव्य रूप दिखाया। श्रीपद रामानुजाचार्य ने जब भगवान विष्णु को देखा तो वो ही गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य वहां पर जब गए वैकुंठपुर में और वहां देखा नारायण को, नारायण ही गौरांग महाप्रभु के रूप में आ गए, तो फिर जो रामानुजाचार्य हैं वे एकदम से भ्रमित हो गए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर गौरांग महाप्रभु ने अपने चरण रामानुजाचार्य के सर पे रखे व्हाट ए फर्स्ट टाइम, है ना। और रामानुजाचार्य को ऐसी स्फूर्ति हुई कि रामानुजाचार्य ने जो है कहा, क्या कहा, आपकी लीला मैं भी देखना चाहता हूँ, नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं आपकी लीला देखना ही चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, जब मेरी नवदीप लीला होगी तो आप फिर से प्रकट होंगे। तो रामानुजाचार्य का फिर से जन्म होता है किसके रूप में, फिर रामानुजाचार्य उसके बाद कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, अपने शिष्यों के पास चले जाते हैं। अपने जीवन भर उन्होंने दास्य भाव का ही प्रचार किया पूरे साउथ इंडिया में, है ना, नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा से वो फिर से श्री नवद्वीप धाम में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए, अनंत नाम से, अनंत नाम से वो प्रकट हुए नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की लीला में। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में आए तो अनंत विप्र नाम से ये प्रकट हुए और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे उस समय जब नवद्वीप में इनका प्राकट्य हुआ। इनको ये लगा हुआ था कि भाई हम ऐसा ना हो कि महाप्रभु प्रकट हो जाए और हम से लेट हो जाए, इसलिए ये पहले ही प्रकट हुआ, लेकिन इनके बहुत ये बूढ़े हो गए तब ये चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ अनंत विप्र के बाद। एक कुटिया बना करके वो एक बड़े से बरगद वृक्ष के नीचे रहते थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे।
ये जो है वल्लभ मिश्र के बहुत अच्छे मित्र थे, है ना। और वो वल्लभ मिश्र अपने शिष्य के रूप में इनको मानते थे। और जब श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी जब आई जगन्नाथ मिश्र के घर पर, है ना, पहली पहली शादी हुई जब चैतन्य महाप्रभु की, एक बहुत बड़ा उत्सव किया गया, तब वहां पर अनंत विप्र को भी बुलाया गया। और विप्र जो थे वो चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया को देख करके बहुत संतुष्ट हुए। आप देख रहे हैं, एक बात सोचने वाली है कि जो ये जो हैं उस रस में एस्टेब्लिश्ड है, देखिए वो लक्ष्मी नारायण के रूप में ही उनको देख रहे हैं। तो फिर वो जो है जोर जोर से नाचने लगे, पागलों के जैसे नाचने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये फिर ठीक नहीं होगा। और फिर जो है वो अपने को कंट्रोल करके वो चले गए भगवान अपने घर पे जा करके, लक्ष्मी नारायण विग्रह के पास बैठ गए। और वहां अगेन उनको दूसरी बार उनको देख करके, लक्ष्मी नारायण को भी देख करके उनको फिर से भाव आ गया। और तब उनको समझ में आया कि लक्ष्मी प्रिया और गौरांग प्रभु महाप्रभु तो वही है ना। फिर वहां पर फिर से चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन किया। और महाप्रभु ने कैसा दर्शन दिया, लक्ष्मी प्रिया के साथ बैठा हुआ दर्शन, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उसी भाव के भक्त हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर से अपना चरण उनके सर पे रखा, अनंत विप्र के सर पे रखा। और फिर जो है भगवान वहां से चले गए। और इस तरह से नवद्वीप लीला में वो हमेशा उसमें मगन रहने लगे, नवद्वीप। तो इस तरह से हाँ, इस्कॉन में एक बुक है, ये नैमिषारण्य दास प्रभु हैं जिन्होंने लिखी है ना, ये लाइफ ऑफ रामानुजाचार्य, ये आप इसको पढ़ सकते हैं इस ग्रंथ। इस तरह से ये जो है एक पंचरात्र विधि जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय या श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने इसको लिया था जो विधि है, क्योंकि श्री संप्रदाय जो है इसमें पंचरात्र विधि श्रील प्रभुपाद ने भी, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि श्री संप्रदाय में वेंकट भट्ट के शिष्य के बेटे थे, तो उन्होंने उनके द्वारा स्थापित राधा रमण जी की जो पूजा है उसको श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था कि यही प्रामाणिक तरीका है भगवान को पूजा करने का। इसलिए हम लोग जो भगवान से मतलब जो विग्रह की उपासना करते हैं वो लक्ष्मी नारायण के रूप में ही मानते हुए उनको करते हैं। हम भगवान कृष्ण हैं वो, लेकिन हम तत्व देखते हुए और उनके जो अर्चा उपासना इत्यादि है, तो राधा कृष्ण की तो कोई उपासना नहीं है, वो तो राधा कृष्ण तो राधा कृष्ण है नहीं? वो तो केवल खेलना है, ये करना है, ये उपासना वाली सेवा वो लेते नहीं है। लेते हैं लेकिन कभी गोपियों से और बहुत निकट से जो है तो लेते हैं। तो इसलिए ये मुख्यतः लक्ष्मी नारायण
समझ के उनका उपासना हम करते हैं, इसलिए आप देखते हैं बहुत केयरफुल रहते हैं हम। तो पंचरात्र विधि के बहुत बड़े प्रोपाउंडर रहे ये। इन्होंने भगवद गीता के ऊपर भी एक कमेंट्री लिखी है। ठीक है, चलो अभी बहुत सारा कुछ है इसमें, तो हम इतना कुछ हम नहीं कर पाएंगे। मुख्य मुख्य जो लीलाएं हैं उसको मैंने आपको बता दिया। विशिष्ट द्वैतवाद इनके जो सिद्धांत है वो है, और इसके बाद इस तरह से ही इनका और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके ऊपर ही लिखे गए हैं। तो श्रीरंगम में इन्होंने ये अंबार के गोदी में अपना सर रख करके, और उनका चरण जो है वधुग नाभि के गोद में रख करके, रामानुजाचार्य 1137 AD में दिव्य प्रबंध का उच्चारण किया जा रहा था उस समय, दिव्य प्रबंध का, उसको सुनते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। आज भी उनका शरीर प्रिजर्व करके रखा गया है रामानुजाचार्य का, क्योंकि आप मतलब वहां पर है, देख सकते हैं। एक जैन राजा से वो मिले, देवरायन से, और उनकी जो बेटी थी उसके ऊपर कोई राक्षस आ गया, तो कोई भी उसको निकाल नहीं पा रहा। जब रामानुजाचार्य के चरण का जो जल है वो उस बेटी के ऊपर डाला गया, तो वो राक्षस वहां से चला गया। तो रामानुजाचार्य, फिर वो जो जैन जो राजा था उसने विष्णुवर्धन नाम से दीक्षा ली रामानुजाचार्य से। रामानुजाचार्य ने 74 आचार्य बनाए जो कि उनको सक्सीड करेंगे आगे चल के, और 13 दिन की जो ये पूजा है इयाल गोष्ठी श्रीरंगम में उसको भी स्थापना किया। एक बार उनके एक शिष्य थे वदुग नामदी, वो अपने गुरु के चप्पल को, उनके जो खड़ाऊं थे उसको भगवान के साथ में रख दिया था उन्होंने, भगवान के साथ में रख दिया था, भगवान के चप्पल के साथ में रख दिया था। जब ये पूछा गया उनसे कि आचार्य के चप्पल भगवान के चप्पल के बराबर कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि बराबर ही मैं मानता हूँ। तो जब रंगनाथ भगवान चल रहे थे श्रीरंगम में,
तो वधुगा नाम भी जो थे है ना, उन्होंने कहा कि जिसने रामानुजाचार्य को देख लिया है ना, वो फिर भगवान की सुंदरता से ज्यादा मुग्ध नहीं हो, इतना उनका आचार्य के प्रति जो है दिया गया था। इसीलिए डीटी वर्शिप और वैष्णव सेवा, ये दो सिद्धांत श्री श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दिया। एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो थे वो जंगल वो रोड पर खेल रहे थे और एक मंदिर बना रहे थे और वहां पर एक भगवान की विग्रह की स्थापना भी कर रहे थे, फल फूल वहां पर अर्पित कर रहे थे ना, और कुछ मिट्टी उन्होंने भोग लगा दी और फिर उसी को महाप्रसाद के रूप में रामानुजाचार्य को दे दिया। तो रामानुजाचार्य ने पूरे आदर से उसको लिया। तो रामानुजाचार्य को ये याद आया कि उनके जो पोईगई अलवार है, एक अलवार है कुछ जो श्री संप्रदाय में 12 अलवार हैं, तो उनको जो है उन्होंने ये कहा था कि भगवान का महाप्रसाद जो है उसको पूरी श्रद्धा, जो भी भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो। तो प्रेम से, क्योंकि बच्चों ने अर्पित किया था तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। रामानुजाचार्य की प्रसाद में कितनी श्रद्धा है ना। एक बार तिरुनारायणपुरम वो गए और तिलक के लिए वो चंदन लेना चाहते थे, तो उस समय क्या हुआ, मुस्लिम लोगों ने वहां की जो विग्रह थे उसको कैप्चर कर लिया था और मुसलमान रानी जो थी वो उसको यूज करती थी गुड़िया के जैसे। तो रामानुजाचार्य दिल्ली गए वहां जाकर के रामानुजाचार्य ने बस जाकर के वहां पे उनके दरबार में कहा कि आओ मेरे साथ चलो, ऐसे बोला और वो जो विग्रह था वो उनकी गोदी में आ गया और उसके बाद रामानुजाचार्य उन्हें उसको ले करके वहां से चल दिए और मंदिर में फिर से स्थापना कर दी। अब यहाँ पर एक दूसरी जो वही कथा है वो धर्मदास वाली, वो धर्मदास जो थे वो एक मतलब पोस्ट ऑफिसर थे और वो अपनी पत्नी की सुंदरता पे बहुत चिंतित थे है ना, और कावेरी नदी के किनारे वो चल रही थी। रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं आपको इससे भी सुंदर किसी को दिखा दूंगा तो क्या आप इनको छोड़ दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो धर्मदास जब आए और उन्होंने जब देखा तो रामानुजाचार्य के वो शिष्य बन गए। जब श्री रंगम में भगवान को देखा, उनकी सुंदरता को देखा और उनका नाम हुआ उरंग विली दासर। और रामानुजाचार्य ने इस तरह से उनको भी उद्धार किया। चोल राज्य के एक कुलोथुंग नाम के एक भक्त थे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रामानुजाचार्य को कहा कि आए और ये सिद्ध करें कि शिव जी विष्णु से महान। अगर आप ये सिद्ध नहीं करोगे तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा रामानुजाचार्य को कुलोथुंग चोल ने कहा। तो फिर रामानुजाचार्य के ऊपर कष्ट, ऐसा तो ये तो ऐसा करेंगे नहीं, तो क्योंकि रामानुजाचार्य के ऊपर ऐसा संकट हो सकता है, कुरेश नाम के जो उनके शिष्य थे ना, वो अपने को रामानुजाचार्य के रूप में कपड़े पहन करके और अपने साथ पेरिया नामदी को लेकर के जो कि उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य के, वहां पर गए।
और वहां जा करके राजा ने कहा कि जाओ ये डॉक्यूमेंट आप साइन करो जिसमें से बताया कि शिव विष्णु से बड़े हैं और शिव सबसे महान है। तो कुरेश ने वहां पर ये कहा कि शिव महान तो है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब ये जो लिखा था शिव शिव एक नापने का एक वो भी होता है, मीटर नापने का मीटर भी होता है कि साउथ इंडिया में होता होगा। तो कुरेश ने कहा कि शिव बड़ा है, ये तो सही है, पर उससे भी बड़ा द्रोण होता है। तो जो है जो राजा था वो बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने आदेश दिया कि ये दोनों जो शिष्य हैं इनको अंधा कर दिया जाए। तो इनको जब सताया गया प्रिया नाम भी ने तो शरीर छोड़ दिया और कुरेश आंखों बिना आंखों के जीवित रहे। और कुरेश को बहुत खुशी थी कि मैंने अपने गुरु का जीवन बचा लिया। गोविंद राज नाम के विग्रह को भी उन्होंने ही इसी राजा ने कुलोथुंग ने जो है नदी में समुद्र में फेंक दिया। तो इस तरह से ये एक और शिष्य है रामानुजाचार्य के पिल्लन नाम के। एक बार ये हुआ कि रामानुजाचार्य अकेले मन में ही कुछ मंत्रों को उच्चारण कर रहे थे तो पिल्लन आए और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो पिल्लन ने आके बोला कि आप जो है एक मन में ही एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं गुरुजी। तो रामानुजाचार्य को लगा कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। तो फिर इस तरह से उन्होंने जाना कि ये मेरे मन को जान जाता है, इसलिए पिल्लन को ये कहा पिल्लन को कि आप रायरा पदी नाम का जो है 6,000 पदी है जो कि भगवत विषय में 6,000 पद लिखे हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्री लिखिए, है ना। नहीं तो इस तरह की ये कमेंट्री एक लिखी गई इनके द्वारा जो ये फिल्म है ना। ठीक है। और बहुत सारी चीजें एक बार जब तिरुमल वो तिरुमला हिल्स पे चढ़ते थे तो वो कभी भी पैर रख के नहीं चढ़ते थे, घुटनों के बल चलते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने कहा कि ये जो है जो है ये भगवान है, ये भगवान का जो विग्रह है ये शैव विग्रह है। तो इस तरह से डाउट होने लगा किसी को, बालाजी विग्रह जो है ना। और वो विग्रह बहुत समय से अलवार लोग विष्णु के रूप में पूजा करते आए हैं, आचार्य लोग भी पूजा करते आए हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सारे आयुध हम वहां पर रख देंगे, जिनको भगवान उठा लेंगे तो हम समझेंगे कि भाई वो ही वो है ना। तो वहां पर उनको रखा गया
और जब दरवाजा अगले दिन सुबह खोला गया तो उस समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म के रूप में को उठाए हुए थे। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि ये भगवान ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। सब भक्त लोग थोड़ी देर में फिर प्रसाद विसाद भी पाना है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक बने रहने के लिए। मैं सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर किसी का कोई प्रश्न। नहीं, आप लोग सुन रहे थे, मैं तो खुद ही अब्जॉर्ब हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, राणा प्रभु, राणा पाटिल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु नमस्कार। जी। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी। दे आर टू, विशिष्ट द्वैत कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। दो हैं वो, है ना, दो हैं, एक नहीं है वो, है ना। नहीं, अद्वैतवाद का मतलब है ईश्वर और जीव एक ही है, लेकिन ये इनका क्या है, द्वैत, विशिष्ट द्वैतवाद मतलब ये दो हैं, जीव और ईश्वर दो अलग अलग हैं, तो विशिष्ट द्वैतवाद इसको बोलते हैं। इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी इसमें हर एक जो ये वाद होते हैं द्वैतवाद, इसमें छह चीजें देखी जाती हैं। चलो, अच्छा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत वाद, द्वैतवाद, ऐसे बहुत सारे और भी फिलॉसफी। तो ये आप अगर भक्ति विनोद ठाकुर के ये जो घर पे आप जाएंगे तो वहां पर हर एक के आचार्य के बारे में और उनके जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा हुई। चलो, इसको मैं अभी अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई विल डिस्कस इट, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैं भी इसमें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी भी चाहिए होगी। तो एग्जैक्टली अगर आपको छह चीजें हैं हर एक उसमें कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है हर एक द्वैतवाद में, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा नोट्स से आपको बताएंगे, कभी एक बार इसको बता देंगे तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट, तो मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, राणा पाटिल प्रभु, हाँ प्रभु जी, ठीक। आशा आर्या माता, आशा आर्या माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन वाज द सेम ओनली। अच्छा, ओके, या, वी विल डिस्कस, दिस इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल वॉल्यूम बहुत ही कम था, लाइक आई वाज अनेबल टू हियर इट यस्टरडे। डोंट वरी मत जी, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई विल गेट अ न्यू डिवाइस एंड देन वी विल यू विल एक्चुअली आई वांट टू परचेज दिस फ्रॉम डिवोटी, दैट इज द मेन थिंग। भक्तों से लो तो अच्छा है ना, भक्तों का बिजनेस बढ़ेगा। वैसे प्रभु हमारे जी, आज भक्त, बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर वॉइस था, इट वाज अच्छा, टुडे वाज वेरी क्लियर। हमारे एक अर्जुन श्याम प्रभु, वो कहते हैं कि प्रभु जी लेंगे तो फोर्ड की कार लेंगे, क्यों?
हमारे अम्बरीश प्रभु है ना, इसलिए स्पोर्ट भी कर ले। मतलब इनको देखिए, यहाँ रहते गाजियाबाद में है, इनको अम्बरीश प्रभु से इतना आसक्ति है कि भक्तों का बिजनेस चलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों को मैं राणा पाटिल को फिर से हाथ उठाया आपने। प्रभु जी मतलब ये डायरेक्ट इनकार्नेशन थे लक्ष्मण जी के या पार्शियल एक्सपेंशन? लक्ष्मण लक्ष्मण ही थे। और प्रभु जी ये जो अनम्यूट करना पड़ेगा। और प्रभु जी सभी आचार्य सभी संप्रदाय के मतलब सिर्फ कलयुग में आते हैं ना प्रभु जी? कलयुग में, कलयुग के लिए ये, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदाय, मतलब कलयुग में ये चार संप्रदाय आते हैं तो ये बताया गया है। ऐसा नहीं है कि उन युगों में कोई आचार्य नहीं होगा, हर एक युग में आचार्य होते हैं, हर एक युग में। जैसे जो है सप्तर्षि होते हैं, है ना, उसी प्रकार से हर एक युग में होते हैं। लेकिन कलयुग में इस तरह का प्रचार करना और ये सब करना और इस संस्कृति को मतलब बचाए रखना, इसके लिए शास्त्रों में इसका वर्णन, क्योंकि स्मरण नहीं रहेगा और लोग इसको मानेंगे नहीं, इसलिए शास्त्रों में इसको वर्णन करना बड़ा जरूरी है। इसलिए किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए, इसलिए इसको जो है ये लिखित दिया गया है। लेकिन ये कितना फेथ गिविंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में साफ नाम लिखा हुआ है कि ये आएंगे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं? ये प्रश्न उठता है कि जो लोग जो है कंप्यूटरों पे काम कर रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, कारें बना रहे हैं, उनको क्या मालूम है? ये सब हो रहा है वहां पे। भगवान ये सोच रहे हैं कि चार संप्रदाय होंगे, लोग भगवत धाम जाएंगे, ये होगा, और यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि भाई डोमिनोज का पिज्जा खाना। यहाँ पे लोगों को फिक्र ही नहीं, ऊपर सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा। ठीक है राणा पटेल प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके थैंक यू। तो अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करना है नाम।